नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण स्वागत करता हूं आपको बेजोड़ जोड़ा के आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी की अनमोल विचारों के बारे में। हमने उनके अनेक विचारों के बारे में अपने 3 वीडियोज में जाना है। ये उन्हीं वीडियोज की कड़ी की अंतिम पेशकश है। आज के इस वीडियो का पहला विचार दोस्तों, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो, उससे लोगों को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्र में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वे जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। अगला विचार, जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थाई है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत है। अगला विचार दोस्तों, खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ, सब जवाबदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब की रचयिता आप खुद हो। आज का उनका चौथा विचार दोस्तों, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। पांचवा विचार, आपको अपने अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना पड़ेगा। कोई भी आपको यह नहीं सिखा सकता और न ही कोई आपको आध्यात्मिक बना सकता है। आपकी अपनी अंतरात्मा के अलावा आपका कोई शिक्षक नहीं है। आज के इस वीडियो का उनका छठा विचार दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लेने का प्रयास करें। आज का सातवां विचार, एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। आठवां विचार, संभव की सीमा जानने केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। इस वीडियो का स्वामी विवेकानंद जी का नवा विचार, सुख और दुख सिक्के के दो पहलू है। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। अंतिम विचार, विश्व के अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वे भयभीत हो उठते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और विवेकानंद जी के विचारों को जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।